हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पाव भाजी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। ये किड्स स्पेशल ही है क्योंकि मेरे बेटे को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, डिश बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ ये आज की अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पाव भाजी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी कैबेज ली है, एक बड़ा साइज का आलू लिया है जिनको मैंने पीसेस में कट कर लिया है, एक कैप्सिकम ली है इसको भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, एक बैंगन लिया है और कुछ मैंने मटर ली है। तो अभी हमें सबसे पहले इन अपनी वेजिटेबल्स को बॉईल करना है। हमें कुकर में ये सारी वेजिटेबल्स डालनी है। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने एक कुकर में डाल ली है। उसके बाद हमें इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर डालना है और थोड़ा सा ही सॉल्ट डालना है, हाफ टी स्पून के करीब, और हाफ कप ही हमें इसमें पानी ऐड करके इसमें हमें बेसन लगवानी है। और फ्रेंड्स हमें जो ये मटर है ये हमें इसके साथ बॉईल नहीं करनी है क्योंकि हम बाद में सारी वेजिटेबल्स को मैश करेंगे तो ये मटर के दाने भी मैश हो जाएंगे, इसलिए, और जबकि हमें मटर को दाने बिल्कुल साबुत रखने हैं, इसको मैश नहीं करना है, इसलिए हम इनको अलग से ही हाफ बॉईल कर लेंगे। चलिए फिर मैं इसमें विसल लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स पाव भाजी का सिर्फ एक फायदा होता है क्योंकि जो बैंगन होता है और कैप्सिकम होता है, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, हमारे बच्चे वेजिटेबल्स डायरेक्टली हम ऐसे आलू बैंगन की सब्जी बना दिया, कैप्सिकम बना दिया, तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो पाव भाजी एक बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का। चलिए फिर मैं इसमें विसल लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाव भाजी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इधर मेरी सारी वेजिटेबल्स भी बॉईल हो गई हैं और मेरी मटर भी हाफ बॉईल हो गई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी भाजी बनानी। ऑयल मेरा गरम हो गया है, अभी इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, 1 पिंच के करीब हम इसमें हींग डालेंगे और इनको हम अच्छे से भुनेंगे। अभी इसके बाद हमें इसमें 1 अनियन डाली है जो मैंने बारीक चॉप कर ली है। फ्रेंड्स इसमें हम अनियन चॉप करके भी डालेंगे और अनियन पेस्ट भी डालेंगे, हम दोनों तरह के यूज करेंगे, पेस्ट भी और चॉपिंग वाला भी। तो अभी हमारी इसको अनियन को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है, इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स मेरी प्याज भी अच्छे से भुन गई है। अभी इसमें हम 1 ये पाउडर डालेंगे जिसमें मैंने 4 लौंग ली है, 4-5 ही काली मिर्च ली है और भुना हुआ जीरा, इसको मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है, ये इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। फिर इसमें हम मैंने 1 अनियन का पेस्ट लिया है जिसमें मैंने 2-3 कलियां गार्लिक की और 1 अदरक का टुकड़ा भी इसके साथ पीस लिया था। अभी इसको हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे जिससे कि जो प्याज का कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। फ्रेंड्स कभी भी आप कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्याज डालते हैं, प्याज का पेस्ट डालते हैं, तो उसको अच्छे से पकाइए ताकि उसकी जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए और वो हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बने, क्योंकि अगर आपकी प्याज का थोड़ा कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा ग्रेवी में तो वो हमारी सब्जी को बिल्कुल खराब कर देता है, तो इसलिए आपको अच्छे से है प्याज को भूनना है। देखिए फ्रेंड्स हमारी जो प्याज है वो अच्छे से भुन गई है, अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो मैंने 5-7 मिनट तक इसको अच्छे से पकाया है। अभी इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर की प्योरी लिया है जिसमें मैंने 3 हरी मिर्च भी डाल ली थी इसको ग्रेवी इसको पीसने में। अभी इसको भी हमें अच्छे से पकाना है, टमाटर को भी अपने अच्छे से पकाना है, इसको भी हमें 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। प्योरी भी अच्छे से अभी भुन गई है। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर जाएगी, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें पाव भाजी मसाला,
और हाफ टी स्पून हमें रेड चिली पाउडर डालना है, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डालनी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें रेड चिली पाउडर डालना है। और फिर इसको अच्छे से भूनना है। अभी हमें लास्ट में ये काश्मीरी पापरिका पाउडर जाएगा, क्योंकि इससे हमारी जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो हमें 1 टीस्पून के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छे से भूनना है। इसे 2-3 मिनट के लिए हम अपने सारे स्पाइसेस को भून लेते हैं, जिससे कि सारे जो स्पाइसेस हैं वो हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा अभी अच्छे से मसाला पक गया है। अभी इसमें हमने 1 चम्मच मैंने इमली का पल्प लिया है और 1 चम्मच ही मैंने केचप लिया है। इसको ये हमारी जो भाजी बनेगी उसमें को टेस्ट को बहुत ही अच्छा बनाता है, तो ये इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। इससे हमारी जो भाजी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हमें 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। अभी इसमें हमें अपनी सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है। और एक मैशर की हेल्प से इनको मैश करना है। अभी हमने अपने मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। ध्यान से फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जब अपनी वेजिटेबल्स को बॉईल किया था तब भी हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अभी इसमें सॉल्ट ऐड करना है। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे। अभी इसमें हम इसमें मटर भी ऐड कर देते हैं और अब इसमें हमें इसको पकाना है। अभी देखिए हमारी पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हमें 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हमें फ्रेश क्रीम यूज करनी है। इससे हमारी जो भाजी है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट आएगा। और 1/2 टीस्पून के करीब ही हमें इसमें बटर यूज करना है और बाकी का बटर हम गार्निशिंग के टाइम पे यूज करेंगे। बस हमारी पाव भाजी अब अच्छे से बन गई है। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। उधर मैंने दूसरे तरफ मैंने अपने जो पाव हैं उनको भी सेकने के लिए रख दिया है। चलिए फिर मैं इन दोनों को काम को कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पाव भाजी की रेसिपी पूरी होती है। ये बिल्कुल बनके तैयार हो गए। मैंने एक सर्विंग बाउल में डाल लिया है इसको और थोड़ी सी गार्निशिंग के कर दी है। ये बीच में मैंने बटर डाल दिया, ये होममेड बटर है जो मैं घर में ही बनाती हूँ, और उससे गार्निशिंग कर दी है। तो हमारी जो पाव भाजी उसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, गार्निशिंग अच्छे से करेंगे तो बच्चे इसको देख के ही खुश हो जाएंगे और जल्दी से झपट पड़ेंगे खाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।